आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ फिजिकल रिटेन के साथ साथ रहने खाने की हॉस्टल भी उपलब्ध है। हमारा पता है जवान सेना भर्ती, रानी रोड नियर गुरु नानक कॉलेज, दुहाटा रोड, धनबाद। बिहार पुलिस के स्पेशल बैच चल रही है। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9709129588। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदिवासियों के जमीन पर अवैध कब्जा करने का वाकया सामने आया है। अपने जमीन की दावा करने वाली बहामुनी मंझियाइन छवि मंझियाइन पता सरायढेला छाता ताड़ की रहने वाली है। इनका कहना है कि दिनांक 21/11/20 को रात्रि 11:30 बजे महादेव मंडल, रेखा मंडल एवं अन्य के मदद से जेसीबी लगाकर अवैध तरीके से मिट्टी भरा जा रहा है, जिसका विरोध करने पर हमें बुरी तरह से पीटा गया और धमकी दी गई और जमीन छोड़कर भाग जाने के लिए कहा जा रहा है। महिला का कहना है कि सन 2005 से विवाद में है, 15 साल हो चुका है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसका केस संख्या 48/14 हजारीबाग न्यायालय में चल रहा है और अभी तक जो भी कार्यवाही हुई है सभी के दस्तावेज होने का स्पष्टीकरण भी किया है। हम लोग आप लोग से निवेदन यही करते हैं कि जो मेरा जमीन में कल 12 बजे रात को गाड़ी चला, डोजर चला और डंपर चला, उस डंपर में हम लोग को मार भगाया मंडल लोग, महादेव मंडल था और उमा पंदर का भाई था और एक आदमी था, तीन आदमी था। वो रेखा मंडल का वो मार्केट है आटा चक्की, वही मिल के बगल में वो लोग बैठल था और ये लोग इधर दो आदमी डोजर चला रहा था और हम लोग आए 5-6 आदमी रात में और आके हम लोग काम को बंद किया है। आए हैं रात में और हम लोग को ही मारा, गर्दन धर के मारा ही। कौन लोग मारा, क्या नाम है उनका? महादेव मंडल और उमा शंकर का भाई। किस लिए मारा आप लोग? डोजर हम लोग बंद किया। ये जमीन किन के नाम पे है? मैं भैरव मांझी के नाम से है। भैरव मांझी के नाम से है, नाम से उसका पुत्र सब वंशज है, सुपल मांझी, चतुर मांझी और उसका वंशज और है तीन भाई लोग। ये जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है क्या? क्या कर रहा है? रेखा मंडल कर रहा है और मिंटू मंडल, परान मंडल और राजपति मंडल और अन्य मंडल करता है, उतना मंडल का कौन नाम जानता है? हम लोग जो जानते हैं उसका नाम हम लोग देते हैं और हम लोग क्या करेंगे यार, इतना दिन 2005 से हम लोग को केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा है। हाँ केस चल रहा है, हजारीबाग में चल रहा है और एगो एसडीओ कोर्ट में चल रहा है, एगो सिविल कोर्ट में सिविल सूट चल रहा है। उसके बाबूजी भी उसका बाबूजी भी अभी माटी भर रहा है, अभी हम लोग गाड़ी रोका उसका बाद भी दो गाड़ी माटी गिरा दिया। मैंने उन लोग चौर है कि इन लोग को मारेंगे, मराएंगे एक आदमी को, मराएगा तो हम लोग जान भी दे देंगे लेकिन जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है छुबी मंझियान और पति का नाम श्यामलाल किस्कू। हम किसी ने से नहीं डरता है, सिर्फ भगवान से डरते हैं, आदमी से हम नहीं डरते, चाहे हमारा धरती माता अंदर कर दे योग पर कर दे, हम नहीं डरेंगे। कहे आदिवासी जितना है हमन शरण और रमेश टुडू, उन लोग को भी रात में हम फोन किए थे, हम बोला जाओ तुम जमीन पर, लेकिन मेरा लिए कोई सहारा के लिए नहीं है। ये तो बोला थाना वाला को फोन कर देता, ये तो किसी को बोल देता कि जाइए रे वहाँ लेडीज लोग जा रहा है, थाना वाला जाके काम उसका रोक दो। मेरा काम रोकने वाला कोई नहीं है, इतना दिन से
हमने इतना थाना को दिया है डीसी उपायुक्त आगे को आगे क्या निर्णय लेगा आप? हमारा नियर आगे काम को ये दिया जजमेंट दिया है एलआरडीसी भूमि वापस कर दिया है कि इसको 5 दिन के 7 दिन के अंदर में इसको नापी करके जमीन निकाल के दो। और ये रेखा मंडल डायरेक्ट डीसी को बोला अभी बंद करो नापी नहीं होगा, अपील करेंगे, अपील किया डीसी के पास, अपील करके लोग अजर गुजर किया और भेज दिया डायरेक्ट हजारीबाग कमिश्नर के पास। हम लोग गरीब आदमी कितना दिन 4 साल हो गया कमिश्नर का लड़ते हुए और फिर भी अभी लड़ते हैं, अभी 15 साल हो चुका है और 15 साल हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम आदिवासी कोई एक माई का बेटी है, दूसरा माई का बेटी नहीं कि हम दुगुर पुगुर करके दारू पी के हम सुतल रहेंगे, सूतेंगे नहीं। हमारा ना आँख यहाँ खड़ा है जमीन पर, हम डरने वाला नहीं है।